हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है, हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है, सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार, इसलिए आप लोग भी सावधान रहें, अगर हमसे संपर्क करते हो फोन करते हो तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। और याद करो वो समय जिस समय सरकार के लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी और इसमें भी कहीं हम लोगों को कोई शक नहीं था कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी या उनके नेता आएंगे उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थीं जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। पूरा देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है इन संस्थाओं को आगे करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो हवाई चप्पल में चलने वाले वो हवाई जहाज में चलेंगे।